उसको एक्सीडेंट हुई भारत से देख सकते क्योंकि आप गाड़ियां चला रहे हैं और गाड़ियां एक्सीडेंट भी हो गई। तो यदि हम देखें तो एक्सीडेंट के क्या कारण हो सकते हैं, पहला कारण है कि गाड़ी आपकी फिट नहीं है, पैसे देके फिट कराइए। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो ड्राइवर है उसका ठीक ढंग से ट्रेन नहीं है, उसने जो है पैसे देके ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, राइट। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, दारू पी के गाड़ी चलाना। चौथी प्रॉब्लम क्या है, चौथी प्रॉब्लम है कि ड्राइवर अपने कम रखे हुए हैं या वो खुद जो है तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा लंबे समय तक गाड़ी चला रहा है, उसको कब धक्का लग गया और धर्म पर एक्सीडेंट हो गया। फिर और एक्सीडेंट का क्या कारण है कि आपके रोड्स पे जो है बड़े बड़े गड्ढे हैं, है ना, जो उसका स्लोप होना चाहिए कर्वेचर होना चाहिए वो कर्वेचर नहीं, जो आपके दो पहिया गाड़ी वाले हैं वो साला ऐसा जो है ना उनके सामने आते हैं और पुलिस जो है उसको अच्छी व्यवस्था करना तो आता नहीं है। तो वो आज के साइंटिफिक जमाने में भी थंब रूल से चलते हैं। थंब रूल क्या होता है आपको बहुत सारे पुलिस ऑफिसर बड़े गर्व से बताते मिल जाएंगे, क्या कहते हैं कि साहब हमारा तो हमको तो ये सिखाया गया है कि गलती हमेशा बड़ी गाड़ी की, तो आपका जो ट्रक है वो तो सबसे बड़ा है तो और मेरी कार है, गलती मैंने की लेकिन बद किसको होना है, तो आप कर रहे हैं क्योंकि आपकी गाड़ी बड़ी है और हमारी पुलिस में तो यही सिखाया। अच्छा, पुलिस के पेट में कोई दर्द नहीं है क्योंकि दर्द आपके पेट में होगा, क्लियर। फिर जो है अपन कहते हैं कि भाई यदि गाड़ी एक पर्टिकुलर दूरी पर रहे वो पास में ना आए तो क्या एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता है। यदि जिस स्पीड में चलना हो उस स्पीड में चले तो एक्सीडेंट नहीं होगा, यदि जो लेन डिसिप्लिन है उसको मेंटेन किया जाए तो एक्सीडेंट नहीं।